भारत कोरोना वायरस के रोजाना दर्ज होने वाले नए मामलों की रेस में अमेरिका से आगे निकल गया है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजाना कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं कुल मामलों की बात करें तो पूरी दुनिया में कोविड 19 के 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन से भी ज़्यादा मामले हो चुके हैं, जिनमें अमेरिका, ब्राज़ील और भारत क्रमशः सबसे आगे हैं। अमेरिका के बाद ब्राज़ील में कोरोना से 1 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में अब भारत की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। ब्राज़ील में भी शुरुआत में कोरोना से मौतों की दर इतनी ज़्यादा नहीं थी। ब्राज़ील में 164 दिनों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख पहुंचा। ब्राज़ील में 12 मार्च को कोरोना से पहली मौत हुई और उसके बाद 9 मई तक कोरोना संक्रमण से 10,000 मौतें हुई। 1 महीने में बाद यहां कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 50,000 पहुँची। शनिवार को ब्राज़ील में कोरोना से संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 1 लाख पार पहुंच गया है। भारत में भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर दिन 50,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना से 44,000 लोगों की भी मौत हो चुकी है। रविवार तक पूरी दुनिया में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1,99,22,762 दर्ज की गई, जिनमें 3.7% की दर से कुल 7,31,000 लोगों की मौत हुई। भारत की बात करें तो यहां कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर रविवार तक 22,12,737 हुई, जिनमें 2.01% की दर से 44,462 लोगों की मौत हुई। अगस्त महीना भारत के लिए कोरोना का लिहाज से काफ़ी बुरी शुरुआत वाला रहा। आपको बता दें कि वर्ल्ड मीटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच कोविड 19 के कुल 3,99,000 मामले दर्ज किए गए, जबकि इन 7 दिनों की अवधि में अमेरिका में कुल 3,44,000 मामले सामने आए हैं, जो कि भारत के बाद दूसरे सर्वाधिक मामले हैं। महामारी के संकट काल में भारत किसी सप्ताह में डेली इन्फेक्शन केस में पहली बार अमेरिका से आगे निकला है। भारत में कोरोना की ऐसी उछाल अमेरिका और भारत के बीच चल रहे अंतर को खत्म करने की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने रविवार को ही कोरोना केस के मामले में 50 लाख का आंकड़ा पार किया है, जो कि भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या से 2 गुना है। इसके अलावा ब्राज़ील भी 30 लाख मरीजों की संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है, जो कि भारत से तकरीबन 8 लाख ज़्यादा है। 1 से 8 अगस्त के बीच दर्ज हुए डेली इन्फेक्शन के मामलों में भी ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। इन 7 दिनों के भीतर ब्राज़ील में कुल 3,04,493 मामले दर्ज किए गए हैं, जो भारत, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा हैं, जबकि इससे पहले 7 दिन के मामले कुछ और ही हाल बयान कर रहे हैं।